तो अब मैं आपको सबसे पहले वो तीन कन्वर्जन्स रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, और एक मेन कन्वर्जन भी हम करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराई थी। तो फर्स्ट कन्वर्जन जो है मेन, वो क्या है, ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस। कैसे करते थे, ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो नेट पे आ जाते हैं, और नेट से ग्रॉस पे प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड आपकी कन्वर्जन है एफसी से एमपी और एमपी से एफसी। तो एफसी था फैक्टर कॉस्ट और एमपी था मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते थे और सब्सिडीज माइनस होती थी, और ऐसे ही उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, और इनके कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहते हैं, एनआईटी। थर्ड हमारा कन्वर्जन था इसके अंदर, वो था डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, प्लस एनएफआईए करके, और नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस एनएफआईए करके, ठीक है। देन आया वो मेन कन्वर्जन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराई थी, जीडीपी एट एमपी से हमें नेशनल इनकम पे पहुंचना है। मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी को, और डोमेस्टिक इनकम क्या था, एनडीपी एट एफसी। तो तीन कन्वर्जन्स थी, एमपी से एफसी, बीच वाला वर्ड डोमेस्टिक से नेशनल, और फर्स्ट वर्ड ग्रॉस से नेट। तो एमपी से एफसी का पहले करते हैं, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी किया तो क्या आ गया हमारे पास, जीडीपी एट एफसी आ गया। फिर हम बीच वाले वर्ड को चेंज कर रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए, तो क्या बन जाएगा ये, जीएनपी एट एफसी। अब आया बीच फर्स्ट वर्ड माइनस डेप्रिसिएशन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। पक्का क्लियर है, तो इसी बेसिस पे हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला न्यूमेरिकल, क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। मेन चीज क्या गिवन है, जीएनपी एट एमपी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखना, उसके बेसिस पे करोगे कोई गलती नहीं होगी, आई एम श्योर फॉर दैट, ठीक है। बट जो मैं बोल रही हूं उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्लियर। क्या है वो बात, बात ये है कि जो चीज आपको निकालनी होती है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे एनडीपी एट एफसी, और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे आपको क्या गिवन है, जीएनपी एट एमपी। और हमेशा राइट से लेफ्ट आपको जाना है, कहां से, राइट से लेफ्ट जाना है। तो अब एमपी से हमें जाना पड़ेगा एफसी पे, नेशनल से डोमेस्टिक और ग्रॉस से नेट करते जाएंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं, ग्रॉस से नेट के लिए हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। फिर बीच वाले वर्ड पे आ जाओ, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, और लास्ट वर्ड एमपी से एफसी क्या करते हैं, यहां पे एनआईटी गिवन नहीं है बट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज गिवन है, तो आईटी को हम माइनस करेंगे और सब्सिडीज को हम ऐड कर देंगे। बस अब वैल्यू कुछ पुट करनी रह गई, हमें इधर से इधर मूव करना है, दैट मींस हमें जीएनपी एड एमपी से एनडीपी एड एफसी तक आना है। जीएनपी एड एमपी कितना है, 6000, डेप्रिसिएशन कितना है 100, एनएफआईए कितना है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 और सब्सिडीज इसमें ऐड कर देंगे दैट इज 200। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 800 में से 200 गए, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और कितनी आ गई है, 5400 करोड़।
यहाँ पे रुपीज लिख दिया, इसके यूनिट जरूर लिखने हैं बिकॉज इसके मार्क्स कट होते हैं। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और बता रही हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या निकालना है? GNPHFC लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, GNPHFC इक्वल टू गिवन क्या है, राइट हैंड साइड लिख देंगे NDP एट MP लिख दिया। फिर राइट से लेफ्ट में जाना है, देखो क्या क्या जरूरत है कन्वर्जन की, MP से FC तो क्या करेंगे, IT माइनस और सब्सिडीज एड, बट IT तो हमें गिवन ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हम सब्सिडीज कर देंगे सीधा। फिर नेट से ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करेंगे NFIA ऐड करेंगे, क्या करेंगे NFIA ऐड, बट NFIA गिवन नहीं है, बट फ्रॉम और टू गिवन है, तो फ्रॉम वाले को ऐड कर देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें माइनस करेंगे हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसी के अंदर कर सकते हो, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, NDP एंड MP कितना है 25,000, सब्सिडीज ऐड की 30, डेप्रिसिएशन 5,000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600, ठीक है। तो इसका हमारा इम्पैक्ट क्या आ जाएगा वो देखते हैं, जस्ट वेट। तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर रही हूँ, जरूरत है कैलकुलेटर की, हाँ क्या जरूरत है कैलकुलेटर की, ऐसे ही करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 29,830, ठीक है, और ये भी किस में आ रही है, इन रुपीज करोड़। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ओवर हो गया, अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, बट इसके अंदर आपको निकालना क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट मींस आपको इसमें डेप्रिसिएशन निकालनी है, क्लियर। और हमें दोनों चीजें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज गिवन है, दैट मींस जो निकालना है उसको एक साइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और कुछ भी लिख सकते हो राइट हैंड साइड। सपोज मैं GDP एंड MP इस साइड ले रही हूं और NNP एंड FC इस साइड ले रही हूं, आपको पता है राइट से लेफ्ट पे जाना है तो क्या क्या कन्वर्जन होंगी, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA और प्लस NIT, क्योंकि FC से MP पे है। तो अब हमें पता है मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, निकालना क्या है, निकालना है डेप्रिसिएशन। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, GDP एंड MP कितना था 5,000, NNP एंड FC 4,000, डेप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन, NFIA माइनस 200 और NIT 300 प्लस हो जाएगा। इन सब को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो गया, 5,000 माइनस 4,000 1,000, फिर माइनस 100 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 900, इज दैट क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है डेप्रिसिएशन का। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को करते जाएंगे, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और याद रखना, इस टाइप की कन्वर्जन सिर्फ यहां यूज नहीं होती, ये बाद में भी यूज होती है, जब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करते हैं, हम तीन मेथड्स करते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो वहां पर क्या होता है कि किसी से तो GDP एंड MP आता है, किसी से NDP एंड FC आता है किसी मेथड से, तो हमें पहुंचना होता है कभी तो नेशनल इनकम पे, कभी किसी और चीज के ऊपर, तो कन्वर्जन्स का आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। कैसे यूज करना वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रियल GDP और नॉमिनल GDP करेंगे। थैंक यू, और आपको जिसको भी असाइनमेंट चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल गिव यू द असाइनमेंट ऑन दीज क्वेश्चंस। Thank you.